पावर स्टॉक्स रहेंगे सुर्खियों में, और IEX, टाटा पावर, अदानी पावर जैसे शेयरों पर रखी नजर। गर्मियों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। पहला तो ये कहा कि पावर प्लांट को कहा भाई मेंटेनेंस अभी थोड़ी देर मत करो, मॉनसून आ जाने दो, जब पावर की डिमांड थोड़ी कम होगी तब करना। और दूसरा जो अतिरिक्त बिजली की जरूरत है एक्सचेंजेस को कहा है भाई इसके लिए आप अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और जल्दी से करें। पावर स्पेस JSW एनर्जी पर भी एक्शन होगा, कल QIP इन्होंने लॉन्च किया है। फ्लोर प्राइस 510 का है, कल की क्लोजिंग से करीब 6% के डिस्काउंट पर है। 5000 करोड़ कंपनी जुटाने की तैयारी में है, तो बड़ा QIP लॉन्च हुआ है, 5 अप्रैल को इशू प्राइस आएगा इसका। भारत फोर्ज, RK फोर्जिंग, GNXL जैसी कंपनियों पर कर रखी है फोकस। मार्च महीने के क्लास 8 नॉर्थ अमेरिका की ट्रक बिक्री के आंकड़े आए और बिक्री काफ़ी घटकर आती हुई दिखी, 4% साल दर साल और महीने दर महीने 29% कमी आई है। फंड रेजिंग के लिए तैयार है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, 5 तारीख को बोर्ड बैठक होगी। इक्विटी, डेट, QIP, प्रेफरेंशियल इशू, वारंट्स, कई ऑप्शंस यूज कर सकते हैं फंड जुटाने के लिए कंपनी का कहा है। ओके, श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को खरीदने के लिए वॉरबर्ग क्विंकस दौड़ में सबसे आगे है। और आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक अच्छी रिपोर्ट भी आई जिन्होंने टारगेट 3000 से बढ़ाकर 3050 किया है। Q4 अपडेट्स भी आए हैं, धनलक्ष्मी बैंक की तरफ से अच्छा अपडेट आया है। साल दर साल बढ़िया अपडेट है, पर तिमाही दर तिमाही अपडेट अच्छा नहीं है। साल दर साल कुल बिजनेस 6.5% बढ़ा है, ग्रॉस एडवांसेस आपको वो 5.5% बढ़कर आए हैं, गोल्ड लोन में 25% की बढ़ोतरी देखी है, डिपॉजिट 7.5% साल दर साल बढ़े हैं बट तिमाही दर तिमाही गिरे हैं, कासा भी तिमाही दर तिमाही गिर कर आया है। ओके, इसके अलावा नेल्को रखिए सुर्खियों में है, ये आज एल्यूमिनियम बॉक्साइट का रिकॉर्ड उत्पादन और बिक्री के आंकड़े आए हैं इसके, और साथ ही एल्यूमिनियम कैपेसिटी में भी 101% की बढ़त दर्ज हुई है। साथ ही एल्कोआ, ये है वो स्टॉक जो कल 4.5% ग्लोबल मार्केट्स में भाग आए तेजी से। हिंदुस्तान जिंक कंपनी का अब तक का हाईएस्ट रिफाइंड मेटल तिमाही प्रोडक्शन देखा गया है, ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर है सिल्वर के प्राइसेस जो लगातार तेजी में जा रहे हैं, कल 5% उछाल आया था। भारत में सिल्वर प्रोडक्शन करता है हिंदुस्तान जिंक। ओके, PNC इंफ्रा, इनकी एक सब्सिडी कंपनी के और NHAI के बीच में हुआ है एक सेटलमेंट और सरकार के विवाद से विश्वास स्कीम में इन्होंने सेटलमेंट किया है 117 करोड़ रुपए का। और फाइनली गोपाल स्नैक्स, इनके Q3 के नंबर्स आए थे, ये ध्यान रखिएगा Q3 के जो नंबर्स आए थे उसमें मुनाफा 45% गिरा है, रेवेन्यू फ्लैट रहा है, मार्जिन 16% के घटकर 10.5% आ गए हैं। यहाँ पर भी वीकनेस की है, ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।